Click on the subscribe button and press the bell icon for more updates. Hello my viewers and subscribers. आज हम टेट स्पेशल कुछ लेसन नेम राइटर नेम जो कि इसमें से एक दो तो निश्चित इस टेट एग्जाम में जो नवंबर में होने वाला है उसमें निश्चित रूप से एक आने वाला है, तो आज हम इंटरमीडिएट के वो सारे लेसन नेम राइटर नेम पोएम नेम पोएट नेम बताने वाले हैं जो कि ना केवल टेट स्टूडेंट के लिए आप एग्जामिनी के लिए एसेंशियल मैंडेटरी हैं, जबकि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जो यूपी बोर्ड के हैं वो भी इनको आप अच्छे से इजी वे में याद कर सकते हैं. लेट अस सी एंड ट्राई टू लर्न इस प्रोस लेसन नेम. पहले स्टार्ट करते हैं माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन. माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन ब्रूकर्टी वाशिंगटन. ब्रूकर्टी वाशिंगटन. वाशिंगटन ये कुछ बुक्स में बुकर लिखा हुआ है तो करेक्ट यही है ब्रूकर BROKER ब्रूकर्टी वाशिंगटन. ये ध्यान रखना है. फॉरगेटिंग रॉबर्ट लिंट. रॉबर्ट लिंट इसकी स्पेलिंग पर ध्यान रखेंगे. रॉबर्ट लिंट फॉरगेटिंग में डबल टी है, ये स्पेशल अटेंशन देंगे. नेक्स्ट है अ गर्ल विद ए बास्केट. अ गर्ल विद ए बास्केट विलियम सी डगलस DOUGLAS. डगलस की स्पेलिंग गलत होती है, इसको ध्यान में रखिएगा. DOUGLAS है डगलस. विलियम सी डगलस अ गर्ल विद ए बास्केट विलियम सी डगलस. ओके नेक्स्ट है द एंट एंड द ग्रास हॉपर. द एंट एंड द ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर में HOPPER ये स्पेलिंग बहुत गलत होती है, सिंगल पी नहीं होता है डबल पी होता है. ग्रास हॉपर WS मॉम MAUGHAM. माघम कुछ लोग पढ़ते हैं, माघम स्पेलिंग लर्न करने के स्टाइल से हो सकता है, लेकिन रियल इसका जो ट्रू प्रोनाउंसिएशन है वो WS मॉम. आप स्पेलिंग याद करने के तरीके से माघम बोल सकते हैं एज यू विश. द काइट मेकर रस्किन बॉन्ड. द काइट मेकर रस्किन बॉन्ड. नेक्स्ट है एफेलो ट्रेवलर AG Gardner GARDINER. ये स्पेलिंग स्पेशली ध्यान देंगे इस पर. गार्डनर है GARDINER. ए फेलो ट्रेवलर. ट्रेवलर में डबल एल ई आर होगा. जो स्पेलिंग गलत हो सकती है वो मैं बता रहा हूं आपको. नेक्स्ट है द सीक्रेट. सीक्रेट की स्पेलिंग गलत होती है तो SECRET होती है, ये ध्यान देना है. द सीक्रेट ऑफ हेल्थ. हेल्थ पहले है उसके बाद में कामा सक्सेस एंड पावर. मीन्स ये इसका क्रम ध्यान रखना है. पहले हेल्थ है उसके बाद में सक्सेस है आफ्टर देन पावर है. तो लेसन नेम क्या है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ कामा सक्सेस एंड पावर. ऑथर नेम है जेम्स एलन. नेक्स्ट है द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया. वैरायटी की स्पेलिंग क्या है VARIETY. पंडित जेएल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू. द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है ए डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन. डायलॉग की स्पेलिंग बहुत गलत होती है, इसको ध्यान रखेंगे. LOGUE. जी के बाद में यू अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं. तो ए डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन. ए डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन. सी ई
am Jude. C E M Jude. A dialogue on civilization. On an African river, David Livingstone. Sorry. David Livingstone. Next is the horse. The horse Ravindranath Tagore. टैगोर में आर के बाद में ई जरूर लगाएंगे, ध्यान देंगे. रविंद्रनाथ टैगोर. आई एम जॉन सार्ट. आई एम जॉन सार्ट. जे डी रैटक्लिफ. रैटक्लिफ. जे डी रैटक्लिफ. यहां पर एल रहेगा. जे डी रैटक्लिफ. आई एम जॉन सार्ट. वीमेंस एजुकेशन. इसको कुछ लोग वोमेंस पढ़ते हैं, वो रॉन्ग है. इसको वीमेन पढ़ेंगे. जब सिमिलर में होगा तो ओमेन पढ़ेंगे, और प्लूरल होगा तो वीमेन पढ़ेंगे. तो वीमेन्स एजुकेशन. यस राधा कृष्णन. सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जिस पर हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं. द हेरिटेज ऑफ इंडिया. A.L. Basham. A.L. Basham. The Heritage of India. A.L. Basham. तो ये आपको 14 lesson name, writer name हैं, जो कि अभी TET में definitely इसमें से कोई एक. अभी हम poetry के भी 20 poem name, poet name बताने वाले हैं, next part में बताएंगे. और ये आप 14 prose के लेसन नेम, राइटर नेम और पोएट्री के 20 पोएम नेम, पोएट नेम आप याद कर लेंगे. 20 + 14 = 34. 34 में निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं. तो ये 34 ज़्यादा नहीं है. आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और इससे इसको लर्न करें. निश्चित रूप से एक दो क्वेश्चन आपको टेट में मिलने वाले हैं. तो डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइब माई चैनल इजी इंग्लिश विद निर्मल सर. और स्पेशल टेट के लिए वीडियो हम बना रहे हैं, और आपके लिए फिर से वकैब के लिए वॉइस, एक्टिव पैसिव और जो भी ग्रामर है लेकर के आएंगे. ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन. थैंक्स.